अस्सलामुअलैकुम। आज आई हूँ एक नई वीडियो के साथ, एस्कार्ट 75 mg की। ये ब्लड थिनर टैबलेट है। इसमें एस्कार्ट प्लस भी आती है और ये इजीली अवेलेबल होती है और ये एक डब्बे में 30 गोलियाँ होती है। ये एस्प्रिन थेरेपी, ये एस्प्रिन के लिए यूज़ होती है, जैसे कि खून पतला करने के लिए कार्डिक पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए भी दी जाती है, या बहुत सारे ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। जैसे कि अगर आपकी बॉडी में ब्लड जो है बहुत गाढ़ा हो गया है पाँव में या किसी भी जगह पर, तो उसको लाइट करने के लिए भी ये दी जाती है। और ये 69-70 के करीब है प्राइस इसकी, और ये इजीली अवेलेबल होती है। ये सुबह के टाइम पे लेनी होती है और नाश्ते के बाद एक टैबलेट लेनी होती है, और अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कीजिएगा और प्रिस्क्राइब किए बगैर नहीं खाइएगा। और जब एस्कार्ट इस्तेमाल करते हैं तो मेक श्योर, जब आप एस्कार्ट इस्तेमाल करते हैं तो अपना ख्याल रखें कि अगर आपको चोट लगेगी तो आपका ब्लड बहुत बारीक हो जाएगा, तो कोशिश करें कि आपको चोट ना लगे। और दूसरा ये कि आप जब दांत निकलवाने के लिए जाएं या किसी भी किस्म की सर्जरी के लिए जाते हैं तो एस्कार्ट को बंद करना होता है, वो बंद करके और फिर आप वो सर्जरी करवाएं, ताकि आपका ब्लड जो है वो पतला ना हो और गाढ़ा हो, ताकि आपका वो वून में से या दांत निकालने ज़ख्म में से, दांत निकालने के बाद जो ज़ख्म हो जाता है उसमें से आपका ब्लड जो है वो ज़्यादा मिकदार में ना निकले। तो इसके लिए ये ध्यान रखें कि आपका ब्लड जो है बहुत लाइट हो जाएगा, तो उसके लिए ध्यान रखें कि आपको ये एस्कार्ट बंद करनी होगी और फिर वो सर्जरी या दांत रिमूव करवाना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए।